चाहते हैं, विश्व स्तर की व्यवस्थाएं खड़ी करना चाहते हैं, उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना। एक तरफ हम देश के हर गरीब परिवार को हर वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हर 3 संसदीय सीट के बीच में एक मेडिकल कॉलेज और एक बड़ा अस्पताल बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, देश के गांवों में 1.5 लाख, हिंदुस्तान के अंदर 6 लाख करीब करीब गांव है, 1.5 लाख गांवों में आधुनिक वेलनेस सेंटर बना जा रहे हैं, यानी 4 गांव के बीच में एक बड़ी व्यवस्था, इसका एक बहुत बड़ा अभियान हम चला रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र भी ऐसे जहां शुरुआती जांच हर प्रकार की हो जाए और फिर अगर जरूरत पड़े बड़े अस्पताल में जाने की आवश्यकता है तभी उसको जितना जल्द हो सके पता चले जाए और उसको बड़ी हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, ताकि 3 महीने के बाद पता चले, 4 महीने के बाद पता चले बीमारी का और तब तक बहुत कुछ खो चुका हो, ऐसी परिस्थिति पैदा ना हो, ये काम हम शुरू कर रहे हैं। कई गांवों में काम हो चुका है। साथियों, एक तरफ हम तेज गति से गांव गांव में सड़कें बना रहे हैं, वहीं देश के हर घर को रोशन करने के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन भी दे रहे हैं। एक तरफ हमने हर गरीब के बैंकों में खाते खुलवाए और दूसरी तरफ बैंकों के दरवाजे गरीबों के लिए, किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए, मछुआरों के लिए खोल दिए। बिना गारंटी के ऋण आज स्वरोजगार के लिए आसानी से उपलब्ध है। एक तरफ हम डिजिटल लेन देन के लिए देश को प्रोत्साहित कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब गांव गांव में, डाकघरों में भी, बैंकों में हम बदलाव ला रहे हैं। डाकिये के माध्यम से बैंक की सेवाओं को भी गांव गरीब के दरवाजे पर खड़ा कर रहे हैं। अरसे बाद डाकियों के वेतन में भी उचित वृद्धि का काम भी हमारी सरकार ने किया है। इतना ही नहीं साथियों, एक तरफ हम भारत माला और सागर माला के माध्यम से दोगुनी गति से हाईवे का विस्तार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम उड़ान योजना के माध्यम से नासिक जैसे आ रहे हैं। Oh.